क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में हमारे देश में 25 लाख से भी ज़्यादा एक्सीडेंट हुए और जिसमें करीब 7.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हो सकता है कि आप बहुत डिसिप्लिन होकर ड्राइव करते हो और बहुत स्ट्रिक्टली सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हो, लेकिन सामने वाले पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। एक्सीडेंट को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेकर आप अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल तो आएगा, जब आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो फिर आप एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी क्यों परचेज करें? आपके इस सवाल का मैं बहुत ही वैलिड और सिंपल वर्ड्स में रिप्लाई करूँगा। देखिए, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो जनरली एक इंडिविजुअल ही सफ़र करता है, या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल अपने परिवार का मेन अर्निंग मेंबर है तो फिर पूरा परिवार सफ़र करता है। कई बार वो एक्सीडेंट ऐसे टाइम पे होता है जब बच्चे फास्ट ग्रोइंग होते हैं, और कई बार वो एक्सीडेंट ऐसे टाइम पे होता है जब पेरेंट्स ओल्ड एज हो रहे होते हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन फीस, ओल्ड एज पेरेंट्स के रेगुलर चलने वाली मेडिसिन के एक्सपेंसेस, परिवार के डेली एसेंशियल एक्सपेंसेस और आपके खुद के स्पाउस के ढेर सारे सपने सब टूट जाते हैं, पूरा परिवार बिखर कर रह जाता है। ऐसे समय पर आपकी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी पूरी हेल्प करती है, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ के केस में, परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में इमीडिएटली पूरा सम एश्योर्ड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में सेटल कर दिया जाता है, और पार्शल डिसेबिलिटी के केस में एज पर द ग्रेट, यानी कि जितने भी परसेंट वो पार्शल डिसेबिलिटी हुई है उतना अमाउंट सेटल किया जाता है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में एक कॉम्पोनेंट होता है TTD, यानी कि टोटल टेम्परेरी डिसेबिलिटी। टोटल टेम्परेरी डिसेबिलिटी एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो उन लोगों को पूरी हेल्प करता है जो प्रोफेशनल्स होते हैं। TTD आपके इनकम लॉस को कंपनसेट करता है। एक्सीडेंटल इंजरी के केस में डॉक्टर कई बार आपको 4 हफ्ते से लेके 30 हफ्ते तक का भी बेड रेस्ट रिकमेंड करता है। आप तो बेड रेस्ट पर चले जाते हो, लेकिन आपके डेली एसेंशियल एक्सपेंसेस कभी भी बेड रेस्ट पर नहीं जाते हैं, जैसे कि आपकी लोन की EMI, आपके बच्चों के स्कूल की फीस, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल। TTD आपको पर वीक कंपनसेशन देगा, और ये कंपनसेशन आपका 5,000 रुपये पर वीक से लेके 1,00,000 रुपये पर वीक तक भी हो सकता है एज पर योर एनुअल इनकम। इतना ही नहीं, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जानने के लिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और मेरे चैनल इंश्योरेंस सेवा को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में आपके लोन को भी प्रोटेक्ट किया जाता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट को पे कर दिया जाता है, जिसकी एक सब लिमिट होती है, मैक्सिमम अप टू सम एश्योर्ड। सेकेंड ऑप्शन होता है चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट। इन केस ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी, आपके डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए एक एजुकेशन बेनिफिट के लिए लमसम अमाउंट पे किया जाता है, जिसकी भी एक सब लिमिट होती है। तीसरा ऑप्शन होता है एल्डरली केयर बेनिफिट। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, उनकी ये 60 साल से ऊपर की है, तो एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा उनकी टेक केयर के लिए। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के जितने भी फीचर्स होंगे सभी पर एक सब लिमिट होती है। चिल्ड्रन मैरिज एक्सपेंसेस, चिल्ड्रन मैरिज एक्सपेंसेस एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में दिया जाता है अनमैरिड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। दूसरा बेनिफिट होता है मंथली नीड बेनिफिट। एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी और पार्शल डिसेबिलिटी के केस में 3 महीने का एक मंथली नीड बेनिफिट भी दिया जाएगा, जिसकी भी एक सब लिमिट होगी। तीसरा बेनिफिट होगा चाइल्ड केयर बेनिफिट। चाइल्ड केयर बेनिफिट एक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू दिया जाता है चाइल्ड की एजुकेशन काउंसलिंग के लिए और चाइल्ड के प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए। अगला बेनिफिट होगा रिपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स। अगर इंश्योर्ड की उसके शहर से किसी दूसरे शहर में एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसके मॉर्टल रिमेन्स को उसके शहर तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया जाएगा। फ्यूनरल एक्सपेंसेस, एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंटल OPD, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, रोड एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस का भी बेनिफिट एक्सीडेंटल पॉलिसी में लिया जा सकता है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में अब प्रोस्थेटिक्स का भी बेनिफिट दिया गया है। कई बार एक्सीडेंट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा सीवियर होती है कि लिम्स पूरी तरह से म्यूटिलेटेड हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल लिम्स और आर्टिफिशियल आईज को कवर किया जाता है, और साथ में कवर किया जाता है ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स, जैसे कि व्हील चेयर हो गया, क्रचेज हो गए, वॉकर हो गया।
कोमाटोस बेनिफिट भी अब पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में ऐड कर दिया गया है। अगर एक्सीडेंट की वजह से इंश्योर्ड कोमाटोस स्टेट में चला जाता है, कोमाटोस बेनिफिट में एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा। साथ में कवर किया गया है बर्न बेनिफिट, फ्रैक्चर बेनिफिट, बोकन ब्रोन बेनिफिट और हेड एंड स्पाइनल इंजरी में भी एक लमसम अमाउंट पे किया जाता है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में अब एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी ऐड कर दिया गया है, जैसे कि स्काई स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, माउंटेन स्पोर्ट्स, अर्थ स्पोर्ट्स, यानी कि इस तरह के किसी भी स्पोर्ट्स में अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, ये परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, तो पूरा समेशोर दिया जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में अब बहुत सारे बेनिफिट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू भी दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले अपने इसी वीडियो में बताया कि चाइल्ड केयर बेनिफिट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू दिया जाएगा, वो साथ में एक्सीडेंटल केयर बेनिफिट भी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू दिया जाएगा। इस बेनिफिट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कवर होती हैं, जैसे कि आईसीयू को घर पर ही सेटअप किया जाता है, या बहुत सारा ट्रीटमेंट घर पर ही दिया जाता है, उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज ली जाती हैं। फ्रेंड्स, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी को रिकमेंड करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का प्रीमियम काफ़ी इकोनॉमिक होता है। 1 करोड़ रुपये का समेशोर सारे कॉम्पोनेंट के साथ 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा, और 18 साल से लेकर 65 साल तक आपका प्रीमियम सेम ही रहेगा। ऑलमोस्ट सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी सेल करती हैं, सभी के पास पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी वो ऑलमोस्ट सभी फीचर्स होते हैं। आजकल जो करंट ट्रेंड में है वो नीवा बुबा की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, जिसमें काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स हैं और सभी फीचर्स को ऐड किया गया है। वो एक फुल्ली लोडेड प्लान है। सेकेंड ऑप्शन मैं दूंगा SDFC अर्गो के कोटी सुरक्षा प्लान को, ये भी प्लान बहुत अच्छा है, इसमें भी लगभग सारे ही फीचर्स को ऐड किया गया है। दोस्तों, एक्सीडेंट एक सडन अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस होता है जो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड होता है। तो अगर आप एक सेल्स की जॉब करते हैं या फिर आपका बिजनेस कुछ इस तरह का है कि आपको रेगुलर ट्रैवल करना पड़ता है, तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना टाइम से एयरपोर्ट पहुंचना। मैं समझता हूं कि मैं अपने इस वीडियो से पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के महत्व को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाया हूं। आपके कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा मुझे, और साथ में अगर इस पॉलिसी से रिलेटेड, इस प्लान से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, डायरेक्टली आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच। आपका संदीप चहल।